नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आपको ये एक महान व्यक्तित्व से मिलाने का, आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अभी अभी हमारे मित्र बने हैं दिल्ली में। मैं इनको लाजपत नगर के आसपास मिला। ये इंदौर से, ये राजेश यादव जी हैं जो इंदौर के बड़वानी से हैं, और ये इंदौर से वैष्णो देवी पद यात्रा पे निकले हैं। डेली दिन दिन में सुबह से लेकर शाम तक ये पद यात्रा करते हैं, और जहाँ भी समय रात्रि होता है वहाँ पे भोजन करके विश्राम करते हैं। ये कंटिन्यू चार नवंबर से यात्रा प्रारंभ किए हैं बड़वानी इंदौर से, और आज ये नई दिल्ली पर पहुँचे हैं। और नई दिल्ली में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो ये राजेश यादव जी हैं इनके इस यात्रा में मैं भी 20 किलोमीटर के आसपास लाजपत नगर से बर्फखाना चौक तक का यात्रा किया इनके साथ, और उसके बाद इनको अपने आवास पे इनको विश्राम करने का, भोजन करने की व्यवस्था किया, और अपने साथ रात्रि इनके साथ समय बिता रहा हूँ। और आप लोग भी ऐसे महान व्यक्तित्व से मोटिवेट होइए, प्रेरणा लीजिए, और इनके जो विचार हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, उसको आगे बिछाइए, बढ़ाइए, सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, धन से, बल से, समर्थन से, विचारों से, इनको विचारों को फैलाइए, और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इस मुहिम को आगे ले जाइए। तब जाकर के हमारा देश भारत महानों का महान, महानतम में महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा होगा, और वास्तविक रूप में पूरी दुनिया का लीडर बनेगा, और पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है, और हम वसुधैव कुटुंबकम के अपने कल्चर, अपने परंपरा के साथ साथ अपने देश को राम राज की तरह बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास पूर्ण हो पाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको राजेश कुमार यादव जी द्वारा आपको थोड़ा सा उनके विचार, उनके यात्रा और उनके बारे में उनकी जुबानी सुनवाता हूँ। हाँ जी, राजेश कुमार जी, राजेश कुमार यादव जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में, और आपने आप यात्रा, इस विचार और इस पोस्टर और इस संकल्प के बारे में, दृढ़ संकल्प के बारे में आप कुछ बताइए, अपने बारे में बताइए, अपने घर परिवार के बारे में बताइए, अपनी जगह के बारे में बताइए, और माता रानी का ये जो प्रण लिया है इसके बारे में बताइए। मैं एमपी के बड़वानी जिले से रहने वाला हूँ, और बड़वानी जिले का रहने वाला हूँ, और माता जी की यात्रा में इसलिए कर रहा हूँ ताकि 135 करोड़ जनता को भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल सके। और ये यात्रा 1800 किलोमीटर की है। हमारे यहाँ से तो कोई नहीं आता पैदल, लेकिन मैंने अपने ऐसी इच्छा है कि इस यात्रा के बाद देश में, हमारा भारत देश राम राज्य बने, और राम राज्य के साथ में भ्रष्टाचार मुक्त बने। मेरी सभी सरकार से, सभी से यही मैं अपने भाव व्यक्त करता हूँ कि 135 करोड़ जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदान किया जाए। बहुत बहुत सही आप विचार, जो ये मन में आया, कैसे विचार में आया, कहीं आपके साथ जीवन में भ्रष्टाचार हुआ? नहीं, मेरे मन में भ्रष्टाचार के लिए शुरू से, मैं 2011 में अन्ना हजारे जी के साथ जुड़ा था, वहां से मुझे विचार आया कि भारत देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है। और अन्ना हजारे के साथ जुड़ने से जब मैंने एक फार्मूला बनाया
तो उस फार्मूले को अन्ना हजारे जी ने मुझे लेटर दिया, मनीष सिसोदिया जी ने मुझे लेटर दिया कि आपका फार्मूला हम जो लोकपाल बिल के लिए ले रहे हैं। जब मुझे विश्वास हुआ कि अपना फार्मूला देश के लिए बहुत काम आएगा, उसी फार्मूले को मैं आगे बढ़ाते हुए आज इस स्थान पर पहुंच गया हूं कि एक राजनीतिक दल विश्व आदर्श भारत पार्टी, जिसका 11/10/2018 को रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसी आधार पर माताजी की जो कृपा हुई, माताजी ने जो दिया जो करा है उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए माताजी के लिए 135 करोड़ जनता को, जनता के लिए सिर्फ ये पद यात्रा की जा रही है ताकि उनको भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल सके। आपको पूरा पूरा विश्वास है, लगता है कि इस यात्रा से लोगों में जागरूकता आएगी, लोग आपके साथ आएंगे, लोग जागरूक होंगे और देश में भ्रष्टाचार में कुछ अंतर आएगा, कमी आएगी या भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? भ्रष्टाचार मुक्त भारत जरूर होगा और मेरा तो मानना है कि मैं माताजी के पास उसी लिए जा रहा हूं कि 2023 में भारत देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। ठीक है, तो राजेश कुमार यादव जी, मेरी पूरी शुभकामनाएं, समर्थन आपके साथ है और मैं भी आपके साथ ये समर्थन माता रानी के दरबार में प्रेस करना चाहता हूं कि आपके मनोकामना पूर्ण हो और हमारा देश एक स्वर्णिम इतिहास हो कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा भारत देश 100% बन जाए और भारत की देखा देखी पूरे देश पूरे विश्व में भी ये विचार जाए और पूरा विश्व में भी भ्रष्टाचार मुक्त हो पाए। ठीक है, धन्यवाद आपसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आपका यात्रा जारी रहे और शुभकामनाएं हैं और माता रानी की जय। जय। रास्ता माता जी बदला रहे अपन और तो माता जी का काम है, वही सब रास्ता बदला रहे हैं। योग से आप आ गए, थोड़ी बहुत दूर साथ में चलेंगे। और भी रास्ते में कोई मिला इसे चलने के लिए? नहीं, आप ही चल रहे। अच्छा अच्छा, जाते हो? मैं नहीं होगा भैया, माता जी ने भेजा है। सब्जी की ढक्कन उठाई, ढक्कन सब्जी वाला।